नमस्कार भाई और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस टाइम में। मेरा नाम ध्रुव है। सो गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक के बारे में। अब ये टाटा अल्ट्रॉस आप सामने देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं। सो ये XZ वेरिएंट है, ये कोई टर्बो वेरिएंट नहीं है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। सिंपली ये XZ है जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है पेट्रोल में। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिकॉज ऑलरेडी मैं XZ ऑप्शनल पे वीडियो बना चुका हूँ, ये XZ है। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए। कोई भी सवाल है नीचे आप पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट आप फ्यूचर में बिल्कुल मिस ना करें। एंड ऑल्सो गाइज, मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा पुनीत ऑटोमोबाइल्स का, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वो इसलिए हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें हैरियर या नेक्सॉन कोई भी गाड़ी टाटा मोटर्स की, तो आप प्लीज़ इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 10 AM टू 5 PM के बीच में। एंड अगर आप मुंबई, नवी मुंबई या थाने से हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी ऑफर्स एप्लीकेबल होते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर अल्ट्रॉस की बात करूँ चाबी से, सो आपको 4 बटन मिलते हैं। स्मार्ट की लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि ORVMs रिट्रैक्ट होते हैं लॉक एंड अनलॉक पे। ये एक प्रीमियम फीचर आप बोल सकते हैं इसको। देन यहाँ पे आपको टेलगेट ओपनिंग के लिए एक बटन मिल जाता है एंड फाइंड माय व्हीकल का बटन मिल जाता है, जिससे आपके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प की यूनिट है वो ग्लो अप हो जाती है इनकेस आप भूल जाते हैं पार्किंग के टाइम कहाँ पार्क की है, तो ये चीज़ से आप पता लगा सकते हैं। सो भाइयों, XZ वेरिएंट जो सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसकी ऑन रोड प्राइस विद एक्स शोरूम प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल में। अब यहाँ पे इसके फ्रंट हेडलैम्प से अगर शुरू करें, बहुत ही शार्प एंड एग्रेसिव लुकिंग हेडलैम्प है। नीचे यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगी फॉग लैम्प की यूनिट के जस्ट नीचे। यहाँ पे अगर मैं हेडलैम्प ग्लो करके आपको दिखाऊं, तो ये ऐसे कुछ इसके हेडलैम्प हैं। आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है यहाँ पे हेडलैम्प में एंड नीचे कन्वेंशनल आप बोल सकते हैं हैलोजन आपको फॉग लैम्प मिलता है। आगे ही टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शार्प लुकिंग इसका हेडलैम्प है। नीचे बॉडी स्कर्टिंग आपको मिल जाएगी जो अच्छी लग रही है गाड़ी को, ओवरऑल बहुत ही शार्प लुक दे रही है इस गाड़ी को। एंड ऑल्सो भाई, और टाटा अल्ट्रॉस जो है वो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शंस में आती है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक कलर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से स्टार्ट करूँ, सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट, उसी के नीचे क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगी आपको जो लेफ्ट हेडलैम्प से शुरू होती है एंड ऑल द वे टू द राइट हेडलैम्प तक वो जाती है। बहुत ही प्रीमियमनेस ये चीज़ देती है यहाँ पे, स्पेशली इसका ये हेडलैम्प एंड ग्रिल वाला पार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम लगता है। गाड़ी को एक अलग ही प्रेजेंस देती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन या लुक्स बोल सकते हैं आप इस गाड़ी की। इवन रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। नीचे बॉडी स्कर्टिंग काइंड ऑफ आपको मिल जाती है एंड ऑल्सो इसकी लोअर ग्रिल जो है वो आपको प्लास्टिक में इंसर्ट में मिल जाती है, जो कि अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर अगर हम साइड में आके इसके टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक पीछे ड्रम ब्रेक एंड बड़े व्हील आर्चेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बहुत ही ह्यूज अच्छे लग रहे हैं। कोई आपको व्हील क्लैडिंग आपको यहाँ नहीं मिलती, बट आपको एक यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है इसके फेंडर पे, ना कि आपको इस पे नहीं मिलता। बट इसके ORVMs बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत ही आप बोल सकते हैं एरोडायनेमिक बहुत अच्छे हैं इस ORVMs के। देन यहाँ पे क्रोम का वर्क है, इवन ऑल ब्लैक में आपको ORVM मिल रहा है। ए पिलर आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा, बट आपको जो विंडो लाइन है वो आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाती है। इसका एक माइनस पॉइंट है गाइस, उस पर स्क्रैच ईजीली दिख जाते हैं, ये जो ब्लैक पियानो फिनिश की विंडो लाइन है। बट ठीक है, एक प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। आई गेस गाड़ी लॉक है, मैं जस्ट एक मिनट इसको अनलॉक कर देता हूँ, बिकॉज अल्ट्रॉस एक मोस्ट यूनिक फीचर देती है इंडस्ट्री में, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर में मिलते हैं आपको, एंड इसके पीछे वाले जो डोर्स हैं यहाँ पे उसकी जो ओपनिंग है वो आपको जस्ट विंडो के पीछे मिल जाती है यहाँ पर। ये एक यूनिक पार्ट है एंड द मोस्ट यूनिक पार्ट, इसके जो डोर्स हैं वो 90 डिग्री ओपन होते हैं, बिकॉज इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इनग्रेस एंड एग्रेस के लिए, अंदर बाहर करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी एज का इंसान या किसी भी हाइट का इंसान आराम से अंदर बाहर कर सकता है, विच इज़ रियली कूल पार्ट। ये ही एक गाड़ी है जो 90 डिग्री डोर ओपनिंग देती है आई गेस इंडस्ट्री में। देन भाई, ये इसका फ्यूल हेड है, 37 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये इसका रेयर प्रोफाइल टायर है। अगेन सस्पेंशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है।
इसका अल्ट्रॉस का रेयर में जो ब्लैक पियानो फिनिश का पार्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरियर से भी इंस्पायर्ड आप बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे एलईडी इंसर्ट के साथ आपको टेल लैम्प इफेक्ट मिल जाता है, स्मोक इफेक्ट बोल सकते हैं आप। अल्ट्रॉस की स्प्रेड आउट बैजिंग मिल जाएगी, बीच में आपको कैमरा मिल जाएगा, टाटा का बड़ा सा लोगो, ये इसका रेयर वॉशिंग वाइपर है, देन रेयर डिफॉगर्स आपको मिल जाएंगे, हाई स्टॉप माउंट लैम्प एंड रेयर वॉशर आपको यहाँ पे मिल जाता है हाई स्टॉप माउंट लैम्प में ही। ऊपर ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट आपको मिलती है ना ऊपर, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर बोल सकते हैं आप, वो टियागो में भी सेम मिलती है। नीचे टू पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, देन उसके जस्ट नीचे लोअर बम्पर की बात करूँ तो आपको उसमें रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे पीछे, एंड इवन बीच में आपको मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ दी है यहाँ पे। देन गाइज यहाँ पे अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो 345 लीटर्स का बूट स्पेस है अल्ट्रॉस में, एंड ऊपर इंसुलेशन काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यूज़ की है, ऐसा नहीं है बिल्कुल चीप है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शल ट्रे भी मिल जाएगी। अब इसकी जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड नहीं है, देन यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक लाइट मिल जाती है फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी इन द नाइट टाइम, एंड 345 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस एक अच्छा बूट स्पेस है। नीचे स्पेयर व्हील है, हालांकि ये स्टेनलेस स्टील व्हील है, ये फिफ्थ वाला अलॉय व्हील नहीं मिलता आपको, उसी में टूल किट एंड एवरीथिंग मिल जाती है। सो एक अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी के इंटीरियर जो प्लास्टिक यूज़ किए हैं वो भी अच्छे हैं गाइस। ऑन दी अदर साइड बिल्कुल सेम है, एज सच कोई मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। देन गाइस सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे, चाइल्ड सीट, एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में आपको ईबीएस मिल जाएगा, ईबीडी मिल जाएगा। लॉक एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स ये गाड़ी आपको देती है। सो गाइज ये था ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में, अब इंटीरियर की बात करते हैं क्या हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता ऊपर, आपको रेगुलर एंटेना मिलता है इसमें। देन 90 डिग्री डोर्स ओपन बहुत ही शानदार लगते हैं। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिश काइंड में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका हैंडल बार, ये इसके ORBM के कंट्रोल्स हैं। विंडो कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ये विंडो लॉक बटन आपको यहाँ मिलता है। कुछ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का वर्क दिया है आर्मरेस्ट पे जो अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। नीचे बड़े डोर पॉकेट्स हैं, लिटरली बहुत बड़े हैं, इवन अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ मिलता है इनसाइड, एंड अंदर की तरफ 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड एवरीथिंग। यहाँ पे स्पीकर सिस्टम है, इस गाड़ी में हमान का स्पीकर सिस्टम आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटीरियर है, आप बोल सकते हैं क्रीमिश एंड ब्लैक थीम आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन यहाँ पे गाइज अगर मैं सीट की बात करूँ तो यस, यही क्रीमिश, थोड़ा डार्क क्रीमिश है, आप इसको ग्रे भी बोल सकते हैं, बट अच्छी फैब्रिक यहाँ मिल जाती है आपको, लेदर नहीं मिलता इसमें। हाइट एडजस्टेबल फंक्शन, एंड ऑल्सो गाइज अगर मैं सीट की यहाँ पे बात करूँ तो भाइयों ये जो ड्राइवर वाली सीट है ये 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, इसके बाजू में जो पैसेंजर है वो 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे वाली रो 2-way मैनुअली एडजस्टेबल है। अब अंदर बैठ के देखते हैं क्या कम्फर्ट है। सो यस, अब जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैबिन बहुत ही बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं आप, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है जैसी गाड़ी ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको ग्राफिक बोल सकते हैं आपको मिलेगा, टाटा का लोगो मिल जाएगा, एंड ऑल्सो आपका टैकोमीटर लेफ्ट में है, स्पीडोमीटर राइट में आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है। स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है विद स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन काफ़ी एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, लेदर स्टिच स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलता है, एंड ऑल्सो 3-spoke स्टेयरिंग व्हील है, कुछ ऐसा हॉर्न था। यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाती है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे क्रूज कंट्रोल एंड एवरी MID के कंट्रोल्स। एंड रिगार्डिंग AC वेंट्स गाइस, उसके अराउंड जो आपको पैनल मिलता है ना वो ग्लॉस पैनल है, अच्छा लग रहा है, सिल्वर बोल सकते हैं आप। AC वेंट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, शार्प लुकिंग है। देन नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है एवरी बटन जो कि आपके फॉग लैंप के बटन एंड एवरीथिंग है, एंड इवन यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। देन ये जो पैनल है वो पूरे डैशबोर्ड पे कंटिन्यू होता है, अच्छा लग रहा है, यही चीज़ गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम बनाती है। एंड ऑल्सो एम्बियंट लाइटिंग आपको इस गाड़ी में मिलती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। एंड ऑल्सो गाइज देखिए यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है ऑन द सेंटर पार्ट, इस सेंटर कंसोल को बोल सकते हैं आप। देन नीचे की तरफ भी मिलती है आपको पैरों के पास जहाँ पे लेग रूम है आपका। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी वाइब्स देता है, अच्छा एम्बियंट क्रिएट होता है इससे।
देन ऐसा कुछ इसका इन डैश बोल सकते हैं आप, इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो अच्छी लग रही है। नाउ कमिंग टू द, यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो एनालॉग प्लस डिजिटल मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजा वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर, ब्राइटनेस सभी कुछ आपको दिखाएगा। टैकोमीटर डिजिटल में है जो कि लेफ्ट में है, स्पीडोमीटर आपको राइट में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई मीन डे टाइम में भी अच्छी खासी इल्यूमिनेशन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी सूरज भले ही सामने होने दो। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो हाउसिंग है आप देख सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी शार्प लुकिंग लगती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इसका इंफोटेनमेंट है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, यूएसबी कंपैटिबिलिटी को ये सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो इट इज़ पावर्ड बाय हमान। तो अच्छे खासे आपको स्पीकर सिस्टम यहाँ मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी साउंड क्वालिटी आप बोल सकते हैं आपको प्रोवाइड करता है। एम्बिएंट लाइटिंग की आप ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितनी आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से। काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट पार्ट आपको यहाँ मिलता है, उसकी हाउसिंग सिल्वर इंसर्ट में है, एंड ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये लैग नहीं करती, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है इसका। ये जो इंफोटेनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिल्कुल भी मुझे ऐसा कोई कमी महसूस नहीं होती। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ ग्रे मैट फिनिश में आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट के अराउंड फिनिश मिल जाएगी, उसी के अंदर एसी वेंट्स हैं बीच वाले एंड नीचे विंडो, सॉरी ये जो कंट्रोल्स हैं ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। अगर ड्राइवर को नहीं ऑपरेट करना उससे क्या बोलते हैं टच स्क्रीन से, तो वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि बटन्स आपको यहाँ नीचे मिलते हैं। देन यहाँ पे अगर बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उसी के नीचे आपको मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, उसके अराउंड जो क्रोम का इस्तेमाल किया है, आई मीन जो वर्क दिया है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, एंड ये चीज़ कैबिन को बहुत जल्दी कूल कर देती है। ओवरऑल इसके जो एसी वेंट्स हैं बहुत जल्दी कूल करेगा फॉर श्योर। सो ये था रिगार्डिंग द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियली लाइक द बटन क्वालिटी जो यहाँ पे अल्ट्रोस में आपको मिलती है अगर आप इसके राइवल से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है एंड 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है कुछ स्पेस, आप हैंडी चीज़ें रख सकते हैं, वॉलेट फ़ोन ऐसे भी कुछ। तो यहाँ पे आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन देख सकते हैं, उसकी हाउसिंग आपको नीचे लेदर फिनिश में मिलती है, एंड आपको जो पियानो सॉरी आप बोल सकते हैं ग्लॉस फिनिश की जो सिल्वर इंसर्ट मिलती है वो आपको इसकी हाउसिंग में भी मिलती है। ये इसका इको बटन है यहाँ से जो आपको मिलता है, तो इको ड्राइव मोड आपको एक्टिवेट हो जाता है एंड ऑल। देन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, हैंडब्रेक की टिप जो टिप है वो क्रोम इंसर्ट में है, ये चीज़ प्रीमियम लग रही है। देन आर्मरेस्ट आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पे, उसके नीचे जो स्पेस है आपको मैं यूँ तो नहीं कहूँगा बहुत बड़ा मिलता है, बट डिसेंट इनफ आपको मिल जाता है, आपका कुछ मुश्किल से ही सामान यहाँ पे फिट होगा, बट ठीक है गाइस डीप है, अच्छा लग रहा है। इसका जो ओवरऑल यहाँ पे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में है, कोई लेदर नहीं है। डैशबोर्ड क्वालिटी अच्छी है, स्क्रैच प्रूफ है, अब वो ब्लैक में है कोई रिफ्लेक्शन इतने पैदा भी नहीं होंगे जब आप ड्राइव करेंगे। ये इसका ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है, टाटा की हर गाड़ी का ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा होता है, ऊपर आपको टैबलेट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे नीचे स्पेस ही स्पेस है, 2 कप होल्डर्स सॉरी यस 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन बुकलेट होल्डर, बहुत बड़ा यहाँ पे कंपार्टमेंट है, इवन अंदर लाइट है, आप रात के टाइम में अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। ऊपर ड्राइवर साइड पे आपको सनवाइजर्स में मिल जाएंगे टोल्ड सब टोल्डर, पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। देन इसकी ये कुछ लाइट है यहाँ पे जो आपको मिलती हैं, अच्छी लग रही है ओवरऑल। देन ये इसका यहाँ पे मिल जाता है आपको IRVM, मैनुअली एडजस्टेबल है, कोई ऑटो डिमिंग नहीं है। ऊपर कुछ स्पेस है सनशेड होल्डर आप बोल सकते हैं, उसको आप अपने सनशेड्स वहाँ रख सकते हैं। सो ओवरऑल जो फ्रंट कैबिन है गाइस डेफिनेटली स्पेशियस है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत अच्छी सीट्स हैं, बिल्कुल भी मुझे टायर्ड फील नहीं होगा, वो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब सेफेस्ट कार है, प्रीमियम हैचबैक है, सारे एसेंशियल फीचर्स मुझे मिल रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में। आप इसकी राइवल्स को देखिए कितनी महंगी उनकी प्राइस सेगमेंट है, बट इसमें सभी कुछ मिल रहा है मुझे, डिजिटल आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अच्छा हरमान का म्यूजिक सिस्टम, सारे फीचर्स, मुझे तो कोई कमी महसूस नहीं होती दोस्तों। ये जो इंडियन ब्रांड आपको ये प्रीमियम हैचबैक ऑफर कर रही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगर इसके रेयर कैबिन की बात करें, सो कुछ ऐसा इसका डोर खुलता था, यहाँ पे 90 डिग्री डोर ओपन है, ये इसका हैंडल बार है, पीछे भी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी स्पीकर की, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आर्मरेस्ट है,
एंड यहाँ पे भी डोर पॉकेट्स जो हैं वो मैसिव हैं नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं। एंड यस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। यहाँ पे देखिए कितने बड़े डोर पॉकेट्स हैं, आराम से अच्छा खासा सामान लोड हो जाएगा यहाँ। स्पीकर सिस्टम यहाँ मिल जाएगा। अब पीछे वाली सीट्स जो हैं फुट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं उसमें। अब ये आगे वाली सीट जो ड्राइवर वाली सीट है वो मैंने पूरी पीछे तक ली है, देखते हैं क्या नी रूम एंड लेग रूम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। तो सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आगे जैसी आपको मिलती है यहाँ पे, ये देखिए। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट काफ़ी यू नो कम्फर्टेबल हैं। देन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है इसमें जस्ट सीट्स के पास, बट उसके अंदर कोई कप होल्डर आपको नहीं मिलता। ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट है ये जो यहाँ पे है, बट काफ़ी सॉफ्ट कुशनड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आर्मरेस्ट। देन गाइज अगर मैं बात करूँ सीट्स की, इनका रिक्लाइनिंग एंगल अच्छा है, सेम एज फ्रंट अच्छी लग रही हैं, कंफर्टेबल हैं। नी रूम देखिए कितना ज़्यादा है, सीट पॉकेट्स आपको मिल जाएगी ऑन द ड्राइवर साइड, एंड बहुत ही अच्छा नी रूम। हेड रूम भी अच्छा है, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं पीछे दो, आप अपने हिसाब से उसकी यू नो कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नीचे 12V का चार्जिंग सॉकेट है, ये कन्वीनियंस पार्ट है फॉर रेयर पैसेंजर। कुछ स्पेस है, बहुत ही छोटा है, वहाँ कुछ फिट नहीं होगा, बट यहाँ पे चीज़ें आपको मिलती हैं। सो गाइस यहाँ पे सीट पॉकेट्स मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड पे आपको मिल जाती हैं। ऊपर रिट्रैक्टेबल हैंडल बार विद द कोट हुक आपको मिल जाएगा दोनों साइड पे, जो कि अच्छी बात है। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड का लेआउट है, पीछे से बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम प्रीमियम। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, गाड़ी बहुत ही रूमी एंड एरी फील होती है, अंदर बिल्कुल भी मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। एंड 90 डिग्री डोर्स ओपन, देखिए मुझे कहाँ हाथ ले जाना पड़ रहा है टू ओपन द डोर्स। इसके डोर्स क्लोज करने पे भी बहुत ही अच्छा थर्ड सा नॉइज आता है, ये प्रीमियम कार्स में होता है दोस्तों। देन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, हाइट एडजस्टेबल, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये था ओवरऑल इंटीरियर के बारे में, एंड इवन एवरीथिंग रिगार्डिंग पीछे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस अच्छा है। सिर्फ एक ही पार्ट माइनस है, जो आर्मरेस्ट में आपको दो कप होल्डर्स नहीं मिलते, हालांकि आज के टाइम में सभी लोग दे रहे हैं, ये एक छोटा सा है। अदर देन दैट मुझे ये गाड़ी में कोई कमी नहीं लगती। अब यहाँ पे बात करें इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है इस गाड़ी में। देन यहाँ पे आपको 85 PS एंड आपको 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है ये। 19.5 KMPL का आपको माइलेज मिल जाएगा इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन में। एंड ऑल्सो गाइज मैं बता चुका हूँ मैनुअल ट्रांसमिशन है ये गाड़ी। सो गाइज ये था रिगार्डिंग टाटा अल्ट्रॉस एग्जेड, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टर्बो वेरिएंट पे जल्दी वीडियो लाऊंगा, ऑफिशियली आने दीजिए, लॉन्च होने दीजिए, कोई भी सवाल है नीचे लिखिए। सो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।